होली कब है, होली कब है? नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित भार्गव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एबी बोलता है, लव लिव लव। दोस्तों जैसे कि होली आने वाली है तो आज हम होलिका दहन की शॉपिंग कर रहे हैं, तो ये वेदू भी आया है। अब आप देखिए वेदू और कैसे शॉपिंग कर रहा है, आइए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वेदू किस तरह से शॉपिंग कर रहा है, इसको बहुत मज़ा आ रहा है। वेदू क्या ले रहे हो? होली का त्यौहार मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि इस दिन अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत हुई थी, और क्योंकि ये इतना कलरफुल त्यौहार है मुझे दोस्तों कलर्स बहुत पसंद है। दोस्तों इसी जगह से वेदू ने अपने लिए एक पिचकारी ले ली और मैंने खरीदे थोड़े से कलर्स। 30 टका 100 ग्राम तले अट्टा येलो दी दिन और ऑरेंज दिन और लाल लाल दिन। दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये नटखट कलर बहुत फेमस है और अच्छा कलर है, इसलिए हम अभी 3 पैकेट ले रहे हैं, बाकी तो घर में है। लाल लाल लाल। दोस्तों आप देख सकते हैं वेदू ने अपने लिए क्या लिया है। वेदू दूने क्या लिया बंदूक, क्या करोगे इसमें? ये क्यों लियो, क्या करोगे? दुर्धाप आयो भागो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने ये सब लिया है, ये हमारी होलिका की जब पूजा होती है उसमें लगता है। दोस्तों होली की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यही कि होलिका कौन थी, क्यों हम होली मनाते हैं और काफ़ी कुछ है, और ये स्टोरी और ये जो आप माला देख रहे हैं इसमें क्या क्या होता है, इसमें चांद, सितारे, होलिका, तलवार, काफ़ी कुछ होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं वेदू कितना खुश है, उसको अपनी पिचकारी मिल गई है और वो पूरे रास्ते ऐसे खेलते हुए आया है और पूरे रास्ते में पानी पानी किया है। फ्रेंड्स आज क्योंकि हम होलिका के लिए जा रहे हैं तो अब मैं अभी वो तैयारी कर रहा हूँ, वो माला बना रहा हूँ। तो हमने जो कल ख़रीदा था वो माला को हम आज रेडी कर रहे हैं। आप देखिए कैसे ये रही, वो हमने जो कल ख़रीदा था तो हम ये 25-25 का ये बनाएंगे, हमें 5 पीस बनाना है। उसके बाद ये जो होती है हम होलिका जो यहाँ पर झुकती है उस पर हम चढ़ाते हैं, ठीक है? ठीक है, इसमें 25 हो गया है, अब हम इसको बांध देंगे ऐसे ऐसे ऐसे, हमें 5 बनानी है। तो ये हम बांध चुके हैं, ये 1 हो गई, अभी देख सकते हैं आप इस तरह से हम लोग बनाते हैं, साइड है और ऐसे करके इसमें फंसे डालते हैं, ठीक है? 25। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काव्या भी हमारे साथ आ गई है काम में हाथ बढ़ाने के लिए, सुबह सुबह नहा धो के तैयार हमारी क्रिएटिव काव्या। काव्या को दिखा दे, दिखा दे काव्या को, हमारी क्रिएटिव काव्या। कैमरामैन को भी दिखा दो जरा। कैमरामैन नहीं देख सकते, कैमरामैन तो कैमरा कर रहा है। हाय कैमरामैन, कैमरा में आप देख सकते हैं दोस्तों, बाद में दिखाऊंगा। ये है लावण्या जो कैमरा ले रही है। ये जो पूजा अभी करने जा रहे हैं ये शाम को होती है, लेकिन इस बार थोड़ी जल्दी हो रही है। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं होलिका की पूजा के लिए। तो दोस्तों आज मैंने भी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन ली है, कुर्ता आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पे होलिका जलेगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे सब तैयारी हो चुकी है। ये है सब दोस्तों, कल जो मैं होलिका की स्टोरी के बारे में आपसे जिक्र कर रहा था, आज वो कहानी सुनाता हूँ। राजा हिरण्यकश्यप, उनका एक पुत्र था जिसका नाम था प्रह्लाद, जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था।
ये बात हिरण्यकश्यप राजा को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो चाहते थे उनके राज्य में सब उनकी पूजा करें। इसलिए वो अपने पुत्र को मरवाना चाहते थे। काफी प्रयास किया अपने पुत्र को मरवाने के लिए, लेकिन भगवान विष्णु का उसके सर पे हाथ है, इसलिए उसे कोई नहीं मार सकता। एक बार उन्होंने अपनी बहन होलिका को अपने पुत्र को मारने के लिए कहा। होलिका के पास एक शॉल थी जो उसे आंख से बचाती थी। वह प्रहलाद को एक शाल अलाव में अपने साथ बैठने का लालच देती। होलिका ने अपने आप को शॉल से ढकने की कोशिश की, लेकिन चमत्कारी ढंग से शॉल उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया और उसे ढक दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने प्रहलाद को बचा लिया और होलिका जलकर राख हो गई। लावण्य, आप कुछ बोलना चाहेंगी? काव्य, आप कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ, यहाँ पे आम के पेड़ के ऊपर से ये कौन सा पेड़ उग गया? लग रहा है। हाँ, क्या खुशबू आ रही है। दोस्तों, पूजा शुरू होने से पहले लोग स्नान करते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। वे पानी का कलश, हल्दी, कुमकुम, चंदन, चावल, फूल, नारियल, गुड़ और गुलाल जैसे आवश्यक सामग्री के साथ पूजा की थाली तैयार रखते हैं। शाम को होलिका दहन शुभ मुहूर्त के दौरान इन्हें अलाव में चढ़ाया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, काफ़ी घरों में ऐसा भी रिवाज है कि जब होलिका ठंडी होती है तो उसकी पूजा की जाती है, और जब अलाव दिया जाता है उसके बाद भी उसकी पूजा की जाती है, क्योंकि होलिका को भगवान की तरफ से वरदान था इसलिए। अबे तू कुछ तो बोलो, तू एक बार कुछ बोल दो इसमें। और परेशान है? हेलो, हैप्पी होली। अब्दू कल क्या करेगा? क्या करेगा? मैं? जल्दी बोलो। कलर लगाऊंगा। कलर लगाऊं किसको? और ताऊजी को। ताई जी को। काव्य दीदी को। तो वेदू बहुत एक्साइटेड है, आप देख सकते हैं कल होली है और वेदू ने कल जो शॉपिंग की थी वो सब का असली रूप दिखेगा कल। ये भैया है, वेदू भैया के साथ। ये लावण्या, वी की फैन। अरे यार, तो दोस्तों होली की शुरुआत हो चुकी है और वेदू को भी रंग लग चुका है। रेड है क्या दोस्तों? देख चुके, रंग लग चुका है। अरे कानों पर भी लगा देते हैं। ये सब टॉय टॉय दिख रहे हैं, हर कोई टॉय टॉय। वेदू को देखो, काव्या काव्या क्या किया उसको? दोस्तों, आप देख सकते हैं बच्चों की मस्ती शुरू हो चुकी है। अबे दीदी को लगाओ। तुमको ऑरेंज लगाना, सब ऑरेंज सब इधर से घोल वरीदा हो रहा है। अरे एक ही साइड लगाओगे क्या? एक ही साइड लगाओगे क्या? क्या हो गई? नोज पे लगा दो, नोज पे। नहीं, मेरे नोज पे नहीं। मेरे को लगाएगा नोज पे? मैं लगाऊंगी। दोस्तों, अब ये होलिका जो है रात को 1 बजे जलेगी, लेकिन आपको ये जो होलिका जलने का है मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में डालूंगा। आप देख सकते हैं सब इधर उधर घूम रहे हैं। ये दीपाली वेदू और ये लावण्या भी आ गई। काव्या की चप्पल गर्म हो चुकी है इसलिए काव्या यहाँ से भाग चुकी है। हम लोग काव्या को अपने ब्लॉग में नहीं देख पा रहे हैं। तो काव्या कहाँ है? काव्या हाय, आपका नाम क्या है? रिया हूँ। दोस्तों,
तो दोस्तों ये रहे हम लोग सब, हम साथ साथ हैं। एक मम्मी है जो जयपुर में है, जिनको आप अभी इस व्लॉग में मिस कर रहे हैं। ये देखिए वेदू, होली की मस्ती के साथ कल जल्दी मिलेंगे। आप देखते रहिए अभी बोलता है लव लिव लाफ, स्वस्थ रहो मस्त रहो खुश रहो। हाँ, एबी का चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय।